सड़क पर आपात स्थिति आने पर आप कितनी ही सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहे हो या फिर आपकी गाड़ी कितनी ही अच्छी हालात में हो, किसी भी आपत्ति का संभावना कभी भी हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपात स्थिति का उपाय बताने वाले हैं, जैसे कि आपका गाड़ी का अचानक से टायर फट जाना, स्टीयरिंग फेल हो जाना, ब्रेक फेल हो जाना, आपकी गाड़ी पानी में डूब जाना, या फिर बहुत सारे अन्य दुर्घटना, या फिर आपकी गाड़ी को कोई पीछे से ठोक दे, साइड टू स्ट्रोक दे, या फिर आगे से टकराव हो जाए। तो इस आपात स्थिति में आप कौन सा एक्शन लोगे, क्या उपाय आपका होगा जिससे कि आप अपने जिंदगी को बचा सकते हो, गाड़ी को बचा सकते हो। अचानक से स्टीयरिंग फेल हो जाना, आप रात को चलते वक्त आपका हेडलाइट जो है ऑफ हो जाना, खराब हो जाना, या फिर आपका जो है गाड़ी में आग लग जाना, या फिर रेडी वाटर जो है ओवरहीट करना, और बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स है ना आते रहता है। तो सारा प्रॉब्लम्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि ब्रेक फेल हो जाना। जैसे ही आपको पता चलता है कि ब्रेक हमारा कुछ गड़बड़ है, तो आपको जो है कि मैकेनिक से दिखाना चाहिए ब्रेक को, या फिर गाड़ी चलाने वक्त आपका ब्रेक फेल हो जाता है तो आपको बार बार पैंडल, ब्रेक पैंडल को दबाना चाहिए, जिससे कि कभी कभी ब्रेक भाग जाता है और बार बार दबाने से ब्रेक आपका लग सकता है। अगर फिर भी ना लगे आपका ब्रेक, तो जो है आपको बारी बारी से गियर आपको कम करना है। आपको उस वक्त डायरेक्ट हैंड ब्रेक नहीं मारना, आप मारोगे भी तो उतना फास्टली नहीं लगेगा। आपको बारी बारी से क्या है गियर को कम करना है। जैसे फिफ्थ है तो फोर्थ गियर, क्लच लेके थर्ड है ना, टू फर्स्ट, और जब फर्स्ट पे आ जाए तो फिर लास्ट में आप थोड़ा स्लो हो जाए गाड़ी, तो हैंड ब्रेक आप खींच सकते हो, है ना। तो जब भी ब्रेक फेल हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल जो है आपको बार बार पैंडल दबाना है, ब्रेक आ गया तो सही, नहीं तो आपको गियर को बारी बारी से डाउन कर देना है और लास्ट में आपको हैंड ब्रेक खींच करके गाड़ी को साइड में लगा देना है। तो पहला जो होता है फ्रेंड, ज्यादातर ब्रेक जो है फेल हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, अचानक से टायर का फट जाना। मतलब ये ज्यादातर सुनते होंगे कि टायर से फटने से गाड़ी अनकंट्रोल होने से उसका दुर्घटना हुआ ऐसा, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी आपका अचानक से टायर फट जाए तो सबसे पहले स्टीयरिंग को जो है मजबूती से आपको पकड़ना है, और आपको धीरे से क्या है कि एक्सीलेटर से पैर हटाना है और ब्रेक धीरे धीरे लगाना है ना। और रोड के जितना हो सका आप इमरजेंसी लाइट को ऑन कर दे, हॉर्न भी साथ में बजा सकते हैं आप कस के पकड़ते हुए, है ना। और आप तुरंत से तुरंत जो है आपको गाड़ी को साइड करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड जब भी टायर फटता है तो गाड़ी पूरा जो है अनबैलेंस हो जाती है। उस वक्त सिर्फ जो है आपको स्टीयरिंग कस को अचानक, कभी ब्रेक मत लगाइएगा जब भी टायर फटे तो। अचानक से ब्रेक लगाने से गाड़ी क्या अनबैलेंस हो सकती है ना, क्योंकि जैसे ही टायर फटता है तो गाड़ी तो खुद अनबैलेंस होती है, और अचानक से ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है ना। तो आपको अचानक से ब्रेक नहीं लगाना है, उस टाइम आपको स्टीयरिंग को कस के पकड़ना है और एक्सीलेटर से पैर हटा करके आराम आराम से ब्रेक लगाना है ना। ओके फ्रेंड, तो ये आपको करना है जब भी आपका गाड़ी का चलते हुए गाड़ी का टायर फट जाए। तीसरा जो पॉइंट है, स्टीयरिंग जो है फेल हो जाना अचानक से चलती गाड़ी में। तो फ्रेंड जब भी आप स्टीयरिंग मूव करो और आपका स्टीयरिंग महसूस हो जाए अंदर से कि मूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहलाता है कि आपका स्टीयरिंग गाड़ी का जो है फेल हो गया है ना। तो इस कंडीशन में जब देख सकते हैं कि आगे दुर्घटना होने वाली है, टर्निंग है, तो उस कंडीशन में आप ब्रेक को लगा सकते हैं अचानक, है ना। अन्यथा आप ब्रेक को ना लगाएं और धीरे धीरे अपने गाड़ी को साइड में तो होगा नहीं, धीरे धीरे आप कंट्रोल करें, है ना। स्टीयरिंग अगर फेल हो जाता है तो इग्निशन को ऑफ करके फिर से स्टार्ट करें, है ना। अगर स्टीयरिंग में पावर आ जाता है तो सही है, नहीं तो आप गाड़ी को साइड करें तुरंत से तुरंत, रोड से नीचे आप, है ना। तीसरी जो पॉइंट है, आपका गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो जाना। चलती गाड़ी में जब आप स्टीयरिंग मूव करो और आपका स्टीयरिंग अंदर से फील आए कि मूव करना बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका गाड़ी का जो है स्टीयरिंग फेल हो गया है ना। तो इस कंडीशन में जैसा कि आप देख सकते हो कि दुर्घटना होने वाला है, तो आप अचानक से ब्रेक मार सकते हो,
अन्यथा आप कुछ समय तक अगर सीधा चल रहे हो है ना, तो कुछ समय तक आप चल सकते हो है ना, क्योंकि भैया आपका स्टीयरिंग ही मेन होता है और गाड़ी को आपको धीरे धीरे करना ही पड़ेगा स्लो है ना। अगर किसी को ठुकने वाली है, कोई आप खाई में जाने वाले हो, तो अचानक ब्रेक मार दो है ना, ये करना है। नहीं तो अगर सीधा है तो आप जाने दो गाड़ी को, आराम आराम से स्लो करो कि पीछे वाले को परेशानी ना हो, क्योंकि स्टीयरिंग फेल हो जाता है तो आप गाड़ी को ना साइड कर सकते, जिस मोड में है ना आपका गाड़ी उसी मोड में आपको रखना पड़ेगा और गाड़ी को रोक देना पड़ेगा है ना। अगर आपका सड़क पे है तो आपको क्या है कि उतर करके जो है स्टीयरिंग का ये आपका जो है टायर को काटना पड़ेगा है ना, क्योंकि स्टीयरिंग से तो कटेगा नहीं, फेल हो जाता है, तो आपको टायर को मूव करना पड़ेगा है ना, और आपको एक गियर में साइड करना पड़ेगा गाड़ी को, तो ये करना पड़ता है जब आपका गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो जाता है। तो चौथा जो पॉइंट है, गाड़ी रोड से नीचे उतर जाना। यदि आपका गाड़ी रोड से नीचे उतर कर कच्चे रास्ता पे आ जाए है ना, तो अचानक से आपको एक्सलेटर से वापस नहीं आना चाहिए। आपको सबसे पहले उस कंडीशन में आपको जो है एक्सलेटर से पैर हटा करके गाड़ी को जो है स्लो करना चाहिए, कम गियर में लाना चाहिए। उसके बाद सुरक्षित रूप से सड़क को देख करके वापस आराम से जाना चाहिए। पुनः रूप से फिर आपको जो है रेस को बढ़ाना चाहिए। जब भी ऐसा गलती हो आपसे कि आपका गाड़ी सड़क से नीचे आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको जो है अचानक से वापस नहीं जाना चाहिए। आपको पहले स्लो करना है गाड़ी, आराम से वापस जाना है ना, तो ये इस बात पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है आपका हेडलाइट अचानक से खराब हो जाना। तो फ्रेंड अचानक से हेडलाइट जो है काम करना बंद कर देता है, तो उस टाइम में आपको ऑन ऑफ करना चाहिए लाइट को है ना। अगर हो जाता है तो सही, नहीं तो फिर आपको सेकेंड जो है लो बीम हाई बीम करना चाहिए। कभी कभी लो बीम में बंद कर देता है, तो हाई बीम करके देखिए, लो बीम करके देखिए, जलता है तो सही है, नहीं तो जो है आपको इमरजेंसी लाइट जो होता है पार्किंग लाइट, वो आपको जला देना है ना। और आपको जिससे कि आपको थोड़ा सा रोशनी आगे का मिल सका, जो चारों इंडिकेटर जलता है पीछे आगे है ना, वो लाइट ऑन कर देना है ना। उसके बाद आपको साइड में करना है गाड़ी को, जिससे कि पीछे वाला गाड़ी और आगे वाला गाड़ी को आप ना ठोक सके है ना, दिख सके आपको थोड़ा बहुत रोशनी। और आपको तुरंत से तुरंत आपको गाड़ी को साइड करना चाहिए। उसके बाद आप अपना देखिए, बल्ब फ्यूज हुआ है या फिर फ्यूज उड़ गया हेडलाइट का, वो सब आपको अगर नॉलेज है तो वो आपको देखना चाहिए। पुनः आपको ड्राइविंग करना चाहिए है ना। नेक्स्ट जो है वाहन का अचानक से हुड खुल जाना, बोनेट खुल जाना। उस स्थिति में जो है आपको बोनेट जब खुल जाए तो आप नीचे से देखने की कोशिश करें, अगर ना दिखे तो आप तुरंत से खिड़की खोल करके बाहर से देखने की कोशिश करें है ना। और आपको तुरंत जो है आपको स्लो स्लो ब्रेक लगा करके गाड़ी को साइड करना चाहिए, फिर आप बोनेट का रिपेयर कराए, फिर से आप ड्राइविंग करें। नेक्स्ट जो है आपका एक्सीलेटर पैडल अटक जाना है ना, जैसे कि रेस करते हो ना, दबा रह जाना, ऊपर नहीं आना एक्सीलेटर में, तो ऐसा ज्यादा गलती मिलता है। तो इस कंडीशन में जो है आपको अंगूठा नीचे फंसा करके ऊपर करना होता है एक्सीलेटर, और फिर से दबाओ एक्सीलेटर, मान लो कभी कभी फंसता है, अगर फिर से दबाओ, फिर से अगर दबल रह जाए, नहीं ऊपर आ रहा, तो उस कंडीशन में जो है आपको गाड़ी को स्लो करना होता है। आप इमरजेंसी लाइट जला दो गाड़ी के अंदर है ना, गाड़ी को आपको ब्रेक लगाना है धीरे धीरे और साइड करना है गाड़ी को है ना, क्योंकि एक्सीलेटर फंसना बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जब दबाओगे आपका गाड़ी फंसता रहेगा। तो आपको पहले एक्सीलेटर का जो वायर होता है जाम हो जाता है, एक्सीलेटर का स्प्रिंग रहता है वो कभी डिफॉल्ट हो जाता है, तो ये सब के रीजन से एक्सीलेटर हमारा जो है फंसता है ना, तो उसके पहले रिपेयर करवाए तथा फिर ड्राइविंग करें। रेल के पटरियां पर वाहन अटक जाना, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड? आप हेल्प लो, अगर गाड़ी आ रही है उस कंडीशन में, तो सबसे पहले जो है आपको जितने भी यात्री बैठे हुए गाड़ी के अंदर, और आप जल्दी से गाड़ी का बिना परवाह किए हुए, बिना सामान का परवाह किए हुए आपको गाड़ी से निकल जाना है, और जिस तरफ से ट्रेन आ रही है उस तरफ आपको भागना है और दूर थोड़ा चले जाना है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी जो फंसी हुई ट्रेन आए तो आपका जो ट्रेन से टकराव होता है तो उसका बॉडी आसपास छितराता है, पार्ट्स गाड़ी का छितराता है, तो आपको उस साइड जाना है, अपोजिट साइड नहीं जाना, जिधर से आपकी गाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है,
उस तरफ आपको भागना है, कुछ दूरी तक चले जाना है। ये नहीं कि आप सामान गाड़ी का बचाने के चक्कर में गाड़ी के पास आ गए, ऐसा कुछ आपको परवाह नहीं करना है। पहले आपको जिंदगी को सेव करना है, जीवन को बचाना है। तो ऐसा सा भी गलती होता है ना कि जब गाड़ी फंस जाए रेल पटरियां पे, तो आपको सबसे पहले गाड़ी को छोड़ करके दूर चले जाना है, इसी में आपकी भलाई है। गाड़ी के अंदर आग लगना या ओवर हीटिंग होना है ना, उस वक्त आपको क्या करना है, जब गाड़ी में आग लग जाए तो सबसे पहले जो आपको उतर जाना है और दूर चले जाना है, किसी से हेल्प लेना। यदि आपके गाड़ी में जो है ना फायर जो है सेफ्टी है, कुछ है बुताने के लिए, तो आप वो यूज कर सकते हो दूरी से, है ना, क्योंकि हर एक गाड़ी में रखना चाहिए है ना फायर सेफ्टी जो आता है स्प्रे। अगर नहीं है तो आपको दूर रहना चाहिए गाड़ी से, गाड़ी का चिंता नहीं करना चाहिए। या फिर आपका गाड़ी जो है ओवर हीटिंग होने का चेतावनी मिले, क्योंकि डैशबोर्ड में जो है ओवर हीटिंग का चेतावनी मिलता है, या फिर हल्का हल्का धुआंपन होता है ओवर हीटिंग तक, तो उस टाइम जो है आपको गाड़ी तुरंत से तुरंत रोक देना चाहिए साइड में, और आपको क्या सिर्फ सिर्फ बोनेट खोलना चाहिए। अगर ज्यादा ओवर हीट है तो आप बोनेट भी मत खोलो, कुछ टाइम के बाद खोलो, 10 मिनट 5 मिनट के बाद आप बोनेट खोलो। उसके बाद आपको तुरंत से जो रेडी वाटर होता है, रेडी वाटर उसको नहीं खोलना चाहिए। अगर उसको खोलते हो तो इंजन पे काफी गैस्किट जल जाएगा, या फिर इंजन पे काफी लॉस होगा आपका। तो उस वक्त आपको कुछ नहीं खोलना है ना गाड़ी को, सिर्फ आपको बोनेट खोल देना है, जिससे कि 15-20 मिनट में ठंडा हो जाए। और सबसे पहले आपको कूलेंट बॉक्स को जो है चेक करना है, उसमें नहीं होता कूलेंट, इसके कारण जो है ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है गाड़ी में, है ना फ्रेंड। तो वो देखना है आपको सबसे पहले। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गाड़ी में आग लगने लगे, तो आपको सबसे पहले गाड़ी से लोगों को निकाल देना है। और सबसे पहले जो है आपको, क्योंकि गाड़ी में आग लगता है शॉर्ट सर्किट के कारण, ज्यादातर मानिए तो 98% मानिए तो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगता है गाड़ी में, तो उस टाइम आपको बोनेट खोल करके जल्दी हो सके तो प्लस या माइनस का बैटरी का जो है आपको वो घींच देना चाहिए। पहले तो आप इंजन ऑफ ही कर दोगे, वो तो जान ही रहे हैं। आपको बैटरी का एक कनेक्शन आपको निकाल देना होता है, देन आपका इंजन जो है जितना जल रहा है उससे माइनस ही हो जाएगा। और पानी कभी मत भीगिएगा, है ना, अगर स्प्रे है तो स्प्रे मार सकते हैं, बालू है तो बालू मार सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, है ना, तो इससे आप बच सकते हैं। वाहन को गहरे पानी के अंदर गिरने पर आपको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड जैसे कि वाहन गहरे पानी में अगर चली जाती है भाई दबे, तो आपको उस टाइम जो है आपकी गाड़ी कुछ समय तक तैरती है ना, क्योंकि पूरा खिड़की पैक होता है ना। आप समझ सकते हो कि पानी में अगर कोई चीज आप भीगते हो तो तैरता है कुछ समय, तो जस्ट लाइक गाड़ी भी आपका गाड़ी के ऊपर पानी के ऊपर कुछ समय तक, ज्यादा नहीं कुछ समय तक तैरता है ना। तो उस टाइम आप तुरंत निकल सकते हो। अगर नहीं निकल पाए तो आपको जैसा कि जब तक आपका गाड़ी में पानी भर जाए, अगर लेवल में आ जाए तब आप निकल सकते हो, या फिर आप जो है जैसे कि जो गाड़ी होती है ना पानी में जाने के बाद आगे की ओर से डूबती है, क्योंकि आगे उसका इंजन होता है गाड़ी का, तो आगे की तरफ अगर डूबती है पानी में गाड़ी, है ना, तो ऐसे ही जाएगी गाड़ी, तो आप पीछे वाले मतलब है ना पीछे वाले डोर से निकल सकते हो जल्दबाजी में, है ना, क्योंकि आगे तरफ डूबेगी तो आपको पीछे चल जाना चाहिए। और जितने भी यात्री हैं, ड्राइवर हैं, पैसेंजर हैं, तो सब कोशिश करें कि सब एक साथ निकले, ये नहीं कि एक निकले फिर डोर खोले, ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगा, फंस सकते हो। आप कोशिश करें कि सब लोग एक साथ निकले गाड़ी के अंदर से, तो ये आपको एडवाइस है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसा भी गलती लोगों से होता है कि गाड़ी, हम खुद देखे हैं कि अपने कुछ फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि गाड़ी जो है पानी में डायरेक्ट कूदा दी, गहरा पानी में, मानिए 20 फीट पानी है, 15 फीट पानी है उस पानी में, तो उस कंडीशन में आपको ये करना चाहिए, है ना। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे पीछे से कोई ठोक दिया, तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको ब्रेक लगाना चाहिए कि आप आगे वाला गाड़ी में जाकर के ना ठोक दो। पीछे से अगर कोई ठोक दे तो आपको सबसे पहले पॉइंट रखना है कि आप आगे वाला गाड़ी को ना ठोक दो, तो ब्रेक लगाना है आपको, है ना, अगर पीछे से कोई ठोक दे तो। और मान लीजिए कोई साइड से आपको ठोक दे, है ना, तो क्या करना है, साइड से अगर ठोक दे तो आपको साइड में जाकर के ऐसे जगह पे आप जाकर के ठुकाएं कि ज्यादा नुकसान ना हो, है ना, क्योंकि अगर ठोक देता आपको ब्रेक भी लगाना है, कोशिश करना है, और साइड में ऐसे जगह पे आप जाकर के गाड़ी को, है ना, ब्रेक लें कि जिससे कि आगे का, इधर का, लेफ्ट का आपका नुकसान ज्यादा ना हो,
यदि आपका जो है ज्यादातर आगे से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी आगे आगे से टकराव हो जाती है, ज्यादातर दुर्घटना ऐसे में मिलता है। तो जब आगे से दुर्घटना हो, आगे से कोई ठोक दो देने वाला हो, तो आपको कुछ सेकेंड तो पता ही लगता है कि आगे सब क्या करें। तो उस टाइम जो है फ्रेंड, आपको जो है अगर सीट बेल्ट लगाए हुए हो तो आपका तो एयर बैग खुलेगा ही खुलेगा गाड़ी का, नहीं तो अगर एयर बैग आपके गाड़ी में नहीं है, है ना, तो आपको क्या करना, सीट का एडजस्टमेंट जो होता है आप डाउन कर सकते हो, यानी आगे से आपका अगर कोई ठोके तो आप सीट का एडजस्टमेंट मिली सेकेंड होता है, आप सीट को ऐसे करोगे पीछे प्रेस करोगे तो पूरा डाउन हो जाएगा। तो आगे वाला दोनों जो पैसेंजर होते हैं, ड्राइवर और लेफ्ट साइड पैसेंजर, वो अपने सीट को डाउन करके पीछे जा सकते हैं, है ना, और अपने हाथ को आगे ला सकते हैं फेस के ऊपर, क्योंकि जो अगर आगे से ठोकता है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे शीशा आपके पूरे सर पे आ जाएगा, जो शील्ड ग्लास होता है गाड़ी के आगे का, तो वो आप अपने हाथ से उसको आगे कर सकते हो, बचाव ले सकते हो, और डाउन चल जाते हो तो बहुत हद तक आप सेफ हो जाते हो, है ना। तो ऐसा करना है आपको, यदि एयरबैग है तो बहुत आपको सेफ मिल जाएगा, है ना। तो ये फ्रेंड आपको सावधानी बरतना चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट है इस वीडियो में के माध्यम से हम आपसे शेयर की, जैसे कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाना, स्टीयरिंग फेल हो जाना, टायर फट जाना, ये सब अधिकांश होते रहता है। आप कितना अच्छा ड्राइवर हो, आपकी गाड़ी बहुत अच्छा है, फिर भी ऐसा आपातकालीन जो है दुर्घटना होते रहता है, तो इस बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी गाड़ी पानी में कूद जाए, या फिर आगे वाला ही ठोक दे, पीछे वाला ही ठोक दे, साइड वाला ही ठोक दे, तो आप क्या करोगे उस टाइम, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड कुछ काम करता है, और वो अगर आप वर्क करता है तो आप बच सकते हो फ्रेंड।